हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है और इनको हमें सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है 125 टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर y प्लस 12 और दूसरी इक्वेशन है 25 टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 13 माइनस y। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है 125 टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर y प्लस 12। तो अब देखें यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे 125 है और हमें पता है कि 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है। तो हम इस 125 की जगह 5 क्यूब लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 5 क्यूब टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर y प्लस 12। अब इस यहाँ पर हमारे पास 5 टू दी पावर 3 है और उसके ऊपर पावर x लगी हुई है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास हो जाएगा 5 टू दी पावर 3x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर y प्लस 12। अब देखें इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है वो बेस सेम हो गई है, तो पावर्स भी जो है वो इक्वल हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे 5 की पावर 3x और यहाँ पे 5 की पावर y प्लस 12 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों पावर्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू y प्लस 12। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख देते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 12 और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी 25 टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 13 माइनस y। तो इसमें देखें हम 25 की जगह पे 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 13 माइनस y। अब यहाँ पर भी पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 13 माइनस y। तो यहाँ पर भी देखें दोनों की बेस हमारे पास सेम हो गई है, तो पावर्स जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी और ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2x इज इक्वल टू 13 माइनस y। और माइनस y को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लेंगे। तो देखें दोनों इक्वेशन जो थी हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी वो अब लीनियर फॉर्म में आ गई हैं। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारे पास 125 टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर y प्लस 12, तो ये इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो गई हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन के अंदर। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी 25 टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 13 माइनस y, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी और ये कन्वर्ट हो गई है लीनियर इक्वेशन में। और इन दोनों को हम जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y जो है वो बहुत आसानी से एलिमिनेट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो हम जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 12 और फिर लिखेंगे हम 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 3x प्लस 2x आपका हो जाएगा 5x और माइनस y प्लस y आपका 0 हो जाएगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 12 और 13 ऐड होकर 25 हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो 5x इज इक्वल टू 25 हो गई। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, ये 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसी तरीके से अगर हम जो है वो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर x की वैल्यू जो है वो 5 अगर हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दें, जो कि आपकी 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 है, इस x की जगह पे हम जो है वो 5 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 5 प्लस y इज इक्वल टू 13 और फिर ये हो जाएगा 10 प्लस y इज इक्वल टू 13, फिर ये 10 वहाँ जाके माइनस होगा, तो 13 माइनस 10 आपका हो जाएगा 3। तो इस तरीके से जो है हमारे पास सोल्यूशन आ गया है दोनों इक्वेशंस का। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई थी, हमने उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई।